दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में एक गैंगवार के तहत गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई। इस गैंगस्टर को जेल के अंदर बेहद सुरक्षित और एक अलग से वार्ड में रखा गया था, उसके बावजूद उस पर हमला करके उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौत का बदला लिया गया है। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर सुई जैसे धारदार हथियार से करीब 40 से 50 बार का हमला किया गया था। ये हमला करीब 10 मिनट तक उस पर सुई से होता रहा। रोहित नाम का एक और कैदी पर हमला हुआ है। टिल्लू ताजपुरिया को बचाने में दूसरा कैदी घायल हुआ है। टिल्लू हत्याकांड के बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड की पोस्ट सामने आई है और हत्या की जिम्मेदारी ली गोल्डी बराड लारेश विश्नोई गैंग ने ली है। वही दिल्ली पुलिस के हरिंगा थाना टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया कर रही है। सभी चारों आरोपियों को दिल्ली पुलिस अपनी कस्टडी में लेंगी, लेकिन दिल्ली पुलिस उसके लिए प्रोटेक्शन वारंट लेंगी। तिहाड़ जेल के सूत्र के मुताबिक जितेंद्र गोगी गैंग के राजेश बवानिया, योगेश टुंड, दीपक तितर और रेंचो नाम के बदमाशों ने जेल के अंदर ही अचानक हमला करके टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया।